महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम बन गई हैं। राज्यपाल एनएन वोरा ने उन्हें सीएम के तौर पर आज शपथ दिलवाई। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी पीडीपी की सरकार में 16 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। जम्मू कश्मीर की सियासत का वो चेहरा जिन्होंने घाटी में इतिहास रचते हुए पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभाली। जम्मू कश्मीर में 2.5 महीने से भी ज्यादा चले राजनीतिक संकट के बाद आखिरकार सोमवार को महबूबा ने 13वें सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल एनएन वोहरा ने महबूबा मुफ्ती को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महबूबा मुफ्ती के 26 साल का राजनीतिक करियर खासा उतार चढ़ाव वाला रहा। 56 साल की महबूबा 1996 में कांग्रेस से जुड़ी और मुख्यधारा की राजनीति में आई। महबूबा ने अपना पहला विधानसभा चुनाव बतौर कांग्रेस उम्मीदवार बिजबेहरा से जीता था। 1998 में मुफ्ती मोहम्मद सईद को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए महबूबा ने अहम भूमिका निभाई थी। 1999 में महबूबा ने सईद के साथ मिलकर पीडीपी का गठन किया और इसके बाद से ही महबूबा के राजनीतिक करियर ने नया मोड़ लिया। पीडीपी को जमीनी स्तर पर लोकप्रियता दिलाने में उनका अहम रोल रहा। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में महबूबा की मेहनत ने पीडीपी को 16 सीटें दिलाई। 2004 में महबूबा पहली बार सांसद बनी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी महबूबा की वजह से ही पूरा हुआ था, लेकिन वो 3 साल तक ही सत्ता में रहे। हालातों ने पलटा खाया और अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दिए जाने के विरोध में पीडीपी ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साल 2005 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर उमर अब्दुल्ला 6 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने फिर वापसी की और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन इस बार किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तभी तो हालात कुछ ऐसे बने कि आखिर में मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री का ताज खुद ब खुद महबूबा के सिर सज गया। देखते रहिए डीबी लाइव।